इस बजट के अंदर जो एक तो सिंबोलिज्म वाली बात है कि पहला डिजिटल बजट है, हमने पेपर प्रिंटिंग खत्म कर दी, डिजिटल बजट है, लेकिन वो देश को भी एक संदेश देने वाली बात है कि हाँ, हम डिजिटल इंडिया की तरफ मजबूत कदमों के साथ, सदैव कदमों के साथ बढ़ रहे हैं। कुछ मोटे मोटे बिंदु जो मेरी समझ में आए इंडस्ट्री के एंगल से, यानी 64,180 करोड़ हेल्थ सर्विसेज सेक्टर के लिए अगर अलॉट कर रहे हैं नई हेल्थ स्कीम्स के लिए, तो एक स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि इसके कारण से हेल्थ सेक्टर के अंदर नई अपॉर्चुनिटीज निकल करके आएंगी, और जो लैक ऑफ बिजनेस दूसरे सेक्टर्स में है, वो एंटरप्रेन्योर स्वाभाविक रूप से हेल्थ सेक्टर की तरफ भी रुख कर सकते हैं। कोरोना वैक्सीन 35,000 करोड़ रुपए अलॉट हुआ, लेकिन उससे कहीं अधिक हम देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर भी और इंडस्ट्री के अंदर भी एक कॉन्फिडेंस जनरेट हुआ, हाँ, हम इस संकट से पार पाने की तरफ मजबूती के साथ चल रहे हैं, और सारे देश में बिजनेस सर्कल्स में एक बड़ा कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है कोरोना वैक्सीन के जो निकली है इसके बाद से, चाहे किसी को लगी या नहीं लगी, लेकिन अभी उसको साहस है कि हाँ, हम लड़ लेंगे इस तकलीफ से। और दो तीन बिंदु और हैं, 5.5 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेलवे के लिए 1,10,000 करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स के लिए 1,18,000 करोड़। कम से कम ये है कि कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में जो सरकार ध्यान दे रही है, ये वाकई में ये सारे सेक्टर्स में एक तरह से जंप और मजबूती लाएगा, और इसका कास्केडिंग इफेक्ट्स लगभग आर्थिक क्षेत्र के सभी आयामों की तरफ जाएगा, चाहे स्टील है, चाहे सीमेंट है, चाहे मैन पावर रिक्रूटमेंट है, चाहे वेंडर्स हैं, चाहे हमारे और आगे जो इंडस्ट्री है, उन सब में इसका इफेक्ट जाएगा। हाँ, सब्जेक्ट टू करेक्शन, मुझे एक लगा कि भाई 49% से 74% जो इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर हमने अपना बाजार खोल दिया एफडीआई अप्रूवल का, तो यानी हमने अपना बाजार तो खोल दिया, लेकिन हमारी कंपनियों को भी दूसरे देशों में पैर रखने की बराबर की जगह मिली या नहीं मिली, ये विजय जी अपने उद्बोधन में बताएंगे क्या पोजीशन रही है, लेकिन मुझे थोड़ा सा अटपटा सा ये बिंदु लगा है। और ये जो स्मॉल कंपनीज की डेफिनेशंस हैं, ये भी स्वागत के योग्य है, और डिसइन्वेस्टमेंट या जितना उसे धन जुटाने की बात है, लगभग 3 लाख करोड़ बता रहे हैं उसे जुटाएंगे, मुझे थोड़ा डाउट है कि हम उतना जुटा पाएंगे, क्योंकि सरकारी तंत्र की अपनी मजबूरियां हैं जिसके कारण से जो हम प्लान करते हैं उतना वहां से पैसा नहीं आता, और मुझे थोड़ा अंदेशा ये भी है कि शायद जो जनरल हमारी इकोनॉमिक कंडीशन है बजट की और देश की, तो उद्योगों के लिए अर्थ की उपलब्धि उतनी ज्यादा ना रह पाए जितनी सहजता से हम स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ, पैसा खूब मिलेगा, ऐसा नहीं होने वाला। कुछ स्वागत योग्य कदम भी हैं, सीनियर सिटीजन्स के लिए आईटीआर नहीं फाइल करेंगे, बहुत अच्छी बात है, देश उनको सम्मान देना चाहता है, बहुत अच्छी बात है। और स्टार्टअप्स के लिए टैक्स हॉलिडे एग्जम्पशन 1 साल के लिए और बढ़ाई गई, स्मॉल चैरिटेबल ट्रस्ट, क्योंकि हमारे भी परिवार की ओर से थोड़ा बहुत चैरिटी का काम होता है, तो ये भी स्वागत का काम है। और एमएसएमई को मुझे लग रहा था इस बजट के अंदर कोई बड़ा कदम उठेगा एमएसएमई के रिड्रेसल के लिए, लेकिन उसमें अभी थोड़ी कसर है, जितना बजट एमएसएमई के लिए रखा है वो पर्याप्त मुझे नहीं लगता, क्योंकि लगभग 11 करोड़ लोग डिपेंडेंट हैं एमएसएमई सेक्टर के ऊपर, उन 11 करोड़ में 30% दोबारा खुलेंगे नहीं। हमने सरकार को भी निवेदन किया था, भाई
ये जो 3 करोड़ के आसपास लोग बेरोजगार होंगे, इनकी रिडिप्लॉयमेंट, क्योंकि उनको तजुर्बा तो है लेकिन उस तजुर्बे का अब लाभ देश को नहीं होगा, क्योंकि उनके जो उपक्रम है वो अनवायबल हो गए, तो उनको रीडिप्लॉय कैसे किया जाए, उनको रीओरियंट किया जाए, रीट्रेन किया जाए और नए उद्यमी वो बन सके, या पुराने उपक्रमों के अंदर वो किसी न किसी और पोजीशन के ऊपर एम्प्लॉय हो जाए, तो और शायद ध्यान नहीं दे पाए सरकार अभी, लेकिन इसके लिए फिर से सरकार को चिंतन करना चाहिए। ऑन दी होल मेरी असेसमेंट यह है कि बहुत अच्छा बजट है और देश को जो गति चाहिए वो हमारे देश को इस बजट के कारण से मिलेगी। और इसके अलावा मार्केट का जो सेंटिमेंट है, मार्केट स्टॉक मार्केट नहीं, जो बाजार में जो बिजनेस है, बिजनेस का सेंटिमेंट अब ऊपर की तरफ देख रहा है। प्रॉपर्टी प्राइसेस करीब करीब सभी हलकों में ऊपर आने शुरू हो गए, रिवाइवल हो गया है। शेयर बाजार की तो हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो अधिक बताएंगे, लेकिन मैं सुनता हूँ शेयर बाजार में बहुत अधिक उथल पुथल नहीं है, सिर्फ तेजी ही तेजी है, नीचे आने का काम अभी नहीं दिखता। तो ऑन दी होल हमारी तरफ से स्वागत का योग्य बजट है और इससे बाजार में डिमांड भी बढ़ेगी और इकोनॉमी भी रिवाइव होगी। मेरा इस बजट के लिए माननीय वित्त मंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापन करता हूं FII की ओर से, और उम्मीद करता हूं कि अगर कुछ इसमें परिवर्तन की गुंजाइश होगी तो जो सेक्टर रह गए हैं जैसे MSME और एग्रीकल्चर के लिए तो खैर काफी कुछ किया है, MSME जैसे रह गए हैं हमारे को लगता है उसमें भी थोड़ा सा परिमार्जन सरकार करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।